आज फंजाई का दूसरा क्लास है एस्कोमाइसेटीज, जिसको हम सेक फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक लाइक फ्रूटिंग बॉडी बनता है जिसको एस्को कार्प कहते हैं। देखिए, जो एस्कोमाइसेटीज होती है, इस समूह की जितनी भी फंजाई हैं वो सेप्टेट होती हैं, यानी उसकी हाइफी सेप्टेट होती है, ब्रांच्ड हो सकती है, ब्रांचिंग उसमें पाई जा सकती है, ठीक है, मल्टी सेलुलर होती है, एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट ऐसी फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है, एस्कोमाइसेटीज की है, याद रखिएगा। सेप्टा में सिंपल पोर पाया जाता है, जिसके थ्रू कंटेंट जो होता है सेल का, एक दूसरे अगल बगल के जो पड़ोसी सेल होते हैं उसके कंटेंट एक सेल से दूसरे सेल्स में जा सकते हैं। सेल वॉल काइटीन का बना होता है, सेल वॉल काइटीन का बना होता है, जबकि आपने देखा था कि जो फाइकोमाइसिटीज एल्गल फंजाई थी उसमें ऊमाइसिटीज जो था वो उसकी सेल वॉल जो थी वो सेलुलोज की बनी थी, जबकि जाइगोमाइसिटीज की जो सेल वॉल थी वो काइटीन की बनी थी। अब जितनी भी फंजाई आप पढ़ेंगे आगे, उनमें सब में सेल वॉल जो होगी वो काइटीन की बनी होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये एस्कोगोनियम होता है। क्वेश्चन आ चुका है एस्कोगोनियम, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो कोनिडिया जो होता है वो एग्जोजिनसली फॉर्म होता है, एग्जोजिनसली मतलब बाहर की तरफ बनता है, ठीक है, जबकि जो जाइगोमाइसिटीज में स्पोरेंजियम स्पोर जो बनता था वो इनसाइड द स्पोरेंजियम बनता था, यानी स्पोरेंजियम स्पोरेंजिया, ठीक है। देखिए, प्लाज्मोगेमी के बाद, मतलब आफ्टर प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी डिले, कैरियोगेमी डिले, जिससे क्या होगा, डाई कैरियोटिक फेज अपीयर होगा, डाई कैरियो फेज अपीयर, डाई कैरियो फेज मतलब एक सेल में दो न्यूक्लियस, ठीक है। अब इन्हीं डाई कैरियोटिक सेल्स में से कुछ सेल जो होती हैं वो एस्कस मदर सेल की तरह काम करने लगती हैं, या एस्कस मदर सेल में बदल जाती हैं। सम डाई कैरियोटिक सेल फंक्शन एज एस्कस मदर सेल, एस्कस मदर सेल, दिस कन्वर्ट द सेल इंटू एस्काई, कन्वर्ट द सेल इंटू एस्की, एस्की प्लूरल हो गया एस्कस, ये एस्की जो हो गया ये प्लूरल हो गया, और सिंगुलर जो होगा वो एस्कस, ठीक है। अब देखिए, एस्कस क्या होता है, एस्कस ही ऐसी साइट होती है जहां पर कैरियोगेमी होती है और मियोसिस होती है। एस्कस इज द साइट कैरियोगेमी एंड मियोसिस, ठीक है। अब देखिए, अब जब एस्कस बन जाता है तो उसमें मियोसिस जब होगी तो 4 से 8 हेप्लॉइड एस्कोस्पोर्स बनेंगे, 4 to 8, पहले तो 4 बन जाएंगे मियोसिस के बाद, फिर एक बार माइटोसिस सिंपल डिवीजन हो जाएगा, जिससे 8 हेप्लॉइड एस्कोस्पोर्स, ठीक है, आर फॉर्म इंडोजिनसली, ठीक है। अब जिसमें से 50% जो होंगे पॉजिटिव स्ट्रेन के होंगे और 50% निगेटिव स्ट्रेन के होंगे। अब देखिए, इसको समझने के लिए आप जैसे मान लीजिए कि ये आपका हाइफी है, ठीक, माइसिलियम की हाइफी। अब इसमें डाइक्लियोफेज है, यानी दो न्यूक्लियस है,
दो न्यूक्लियस प्लाज्मोगेमी के बाद न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया है, मतलब दो हाइफी एक दूसरे से फ्यूज किए होंगे, जो दोनों के न्यूक्लियस एक साथ आ गए होंगे, ठीक, और ये दोनों एक साथ पड़े हुए हैं। अब देखिए इसमें से मान लीजिए ये पूरी एक लंबी सी हाइफी है, इसमें से कोई भी एक सेल्स या दो सेल या तीन सेल एस्कस मदर सेल की तरह काम करने लगी, तो मान लीजिए ये एस्कस मदर सेल की तरह काम करने लगी, तो मान लीजिए इसको हम लिख देते हैं एस्कस मदर, कोई भी सेल कर सकती है मदर सेल, ठीक है। अब क्या होगा कि जब एस्कस मदर सेल की तरह काम करेगी तो इनका जो न्यूक्लियस होगा वो फ्यूज कर जाएगा, यानी कैरियोगेमी हो जाएगा, कैरियोगेमी, ठीक है। जब कैरियोगेमी हो जाएगा तो अब देखिए यहाँ पे ये दो न्यूक्लियस तरह से खींचे, लेकिन जो एस्कस मदर सेल की तरह काम कर रही है वो थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, और इसका दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, ठीक है, और ये हो गया, ठीक। तो ये कैरियोगेमी हो गया, लिख दे रहा हूँ कैरियोगेमी, ठीक। फिर से अब देखिए अब क्या होगा कि ये थोड़ा सा इन्वॉल्व करेगी, अब इसमें मियोसिस होगा, तो मियोसिस जब होगा मियोसिस तब ये न्यूक्लियस डिवाइड होके चार हैप्लॉयड न्यूक्लियस में बदल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे यन यन था, जब कैरियोगेमी हो गया तो कितना हो गया, ये टू यन हो गया, ठीक, ये टू यन हो गया। जब अब इसमें मियोसिस होगा इस वाले न्यूक्लियस में तब ये हैप्लॉयड हो जाएगी, यानी यन हो जाएगी। अब ये चार न्यूक्लियस में बदल गया, अब चारों न्यूक्लियस क्या बनाएंगे, एस्कोस्पोर बनाएंगे। अब ये चारों एस्कोस्पोर होंगे, चार या आठ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे एक बार मियोसिस हुआ तो चार बन गए, चार एस्कोस्पोर बन गए, फिर माइटोसिस के बाद आठ एस्कोस्पोर बन गए। अब इसमें क्या होता है, चार या आठ दोनों हो सकते हैं, तो इसमें जो चार होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं और चार जो होते हैं वो निगेटिव स्ट्रेन के होते हैं, यानी दो तरह के स्ट्रेन एस्कोस्पोर में पाए जाते हैं। अब ये जो बॉडी, क्योंकि एस्कोस्पोर अंदर की तरफ बन गया ना एस्कस, इसको बोलते हैं एस्कस, यानी एस्कोस्पोर फॉर्म इन द एस्कोस्पोर फॉर्म इन साइड द एस्कस। अब देखिए जो एस्कस होता है वो एक फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज हो जाता है, जिसको हम एस्कस या एस्कोकार्प कहते हैं या एस्कोमा कहते हैं, ठीक है। तो एस्कोकार्प की वजह से ही इसे सेक फंजाई कहा जाता है, ठीक है। एस्कोकार्प में ढेर सारी एस्कस होती है, एस्कस में एस्कोस्पोर बनते हैं, ठीक है। तो एस्कोस्पोर्स ऐसे स्पोर्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनते हैं, यानी सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं एस्कोस्पोर्स, को याद रखिएगा। अब देखिए ये जो एस्कोकार्प होते हैं ये कई आकार के हो सकते हैं, ये हो सकता है कि कप लाइक हो जाए, कप लाइक स्ट्रक्चर में हो जाए, कप लाइक को बोलते हैं एपोथेसियम, ठीक है, जैसे पेजाइजा में, ठीक है, पेजाइजा कॉप्रोफिलस फंजाई है, कॉप्रोफिलस पहले ही मैंने बता दिया, कॉप्रोफिलस ऐसे फंजाई होते हैं जो कि गोबर पे जमते हैं, ठीक है, या डंग लविंग, जैसा कि ये देख रहे हैं आप। एस्कोकार्प फ्लास्क के आकार का हो सकता है, फ्लास्क से पेरिथीसियम बोलते हैं, पेरिथीसियम, जैसे न्यूगोस्पोरा में, क्लेबिसेप में, ठीक है। न्यूगोस्पोरा को हम पिंक मोल्ड भी बोलते हैं, न्यूगोस्पोरा जो है ये ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जेनेटिक्स के जो रिसर्च हैं न्यूगोस्पोरा पे किए जाते हैं। इसके पीछे मेन वजह यही है कि इसके जो एस्कोस्पोर्स होते हैं ईजिली उनसे हम जेनेटिकल स्टडी किया जा सकता है, एकदम ईजिली दिखते भी हैं और कम लाइफ साइकिल होती है इनकी, तो छोटी लाइफ साइकिल होती है। ये इसको का क्लोज हो सकता है, बंद एकदम, जिसको हम क्लिस्टो थेसियम कहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है क्लिस्टोथीसियम की, क्लोज क्लिस्टोथीसियम टाइप कार्प इज फाउंड इन, तो एग्जांपल होगा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ठीक है। ग्रीन मोल्ड या ब्लू मोल्ड भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, ग्रीन मोल्ड या ब्लू मोल्ड, न्यूगोस्पोरा को पिंक मोल्ड।
पिंक मोल्ड, रेड मोल्ड भी कह सकते हैं। अब कुछ एडिबल फंजाई पे आ जाइए। एडिबल फंजाई या एडिबल एस्कोमाइसिटिस जिनको खाया जाता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मॉरेल्स, मॉरेल्स ठीक है, मॉरेल्स जैसे ये है, इसको बोलते हैं मॉर्शेला स्कूलेंटा, मॉर्शेला स्कूलेंटा ठीक है। इसको हिंदी में गुच्ची भी कहते हैं, गुच्ची ठीक है। दूसरा है ट्रफल्स, इसका बॉटनिकल नेम है ट्यूबर, ये जमीन के नीचे होता है, एश ट्यूबर, इसको भी खाया जाता है, काफ़ी महंगा बिकता है ये ट्रफल्स, बहुत महंगा बिकता है। मॉक्सेल मॉरेल्स भी बहुत महंगा बिकता है। अब देखिए कुछ एस्कोमाइसिटीज होती हैं जो कि डिजीज उत्पन्न करती हैं, जैसे क्लेविसेप, क्लेविसेप परप्यूरिया इसका पूरा नाम है, ये रिगोटिज्म कॉज करता है, और डिजीज प्लांट में जो काम करता है वो उसको कहते हैं रिगोट डिजीज ऑफ पर्टिकुलर प्लांट, जिस भी प्लांट में करेगा उसको इरिगॉट डिजीज बोलते हैं, और इसको अगर खा लिया जाए तो इरिगॉटिज्म हो जाता है। इरिगॉटिज्म का मतलब ये होता है कि अगर इसे खा लिया जाए तो एबॉर्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि क्लेविसेप परप्यूरिया जो फंगस होता है वो एक खास तरह के एल्कोलाइड का सिक्रीशन करता है जो कि बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। कॉजेस इरिगॉट डिजीज, इसमें एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, क्लेविसेप में स्क्लेटोरिया बनता है, रेस्टिंग बॉडी, स्क्लेटोरिया, स्क्लेरोटिया, स्क्लेरोटिया ठीक है। अगर इसको खा लिया जाए, जो इस जिस सीरियल्स पे इन्फेक्शन किया उस सीरियल्स को खा लिया जाए, ईटिंग ऑफ इन्फेक्टेड, तो वो इरिगोटिज्म कॉज करता है। अब इसके अंदर एक एक एल्कोलाइड होता है जिसको बोलते हैं इरिगोटाइन, जिसके वजह से एब्जॉर्प्शन होने की संभावना होती है, विच कॉजेज एबॉर्प्शन, विच कॉजेज एबॉर्प्शन। इसके अलावा इस एल्कोलाइड का जिसको इरिगोटाइन कहते हैं, एलएसडी भी कहा जाता है, इससे कुछ दवाएं भी बनाई जाती हैं। अब देखिए ये जो एल्कोलाइड होता है जिसको इरिगोटाइन कहा जाता है, इससे जो ड्रग्स बनाई जाती है जो कि प्रमोट करता है एक्सपल्सन ऑफ फेटस, मतलब एबॉर्प्शन को प्रमोट करता है। देखिए दूसरा है न्यूगोस्पोरा, जिसको पिंक ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, इसे ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एरिसिफे, जो कि पाउडरी मिल्ड्यू काज करता है, पाउडरी मिल्ड्यू एक प्लांट में लगने वाली डिजीज होती है, पाउडरी इसलिए कहा जाता है कि ढेर सारे इसको स्पोर बनते हैं, वो इसको स्पोर पाउडर की तरह दिखते हैं, इसलिए इसको पाउडरी मिल्ड्यू कहा जाता है। याद रखिएगा जितने भी पाउडरी मिल्ड्यू होते हैं ज़्यादातर वो इसको माइसिटीज के द्वारा होते हैं, जबकि डाउनी मिल्ड्यू किसके द्वारा होते हैं, ऊ माइसिटीज के द्वारा होते हैं। अब देखिए पेनिसिलियम क्राइसोजेनम है, जिसके द्वारा कॉमर्शियली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का प्रोडक्शन किया जाता है, जबकि पेनिसिलिन की सबसे पहले जब खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, तो पेनिसिलियम नोटेटम से की गई थी। याद रखिएगा पेनिसिलियम नोटेटम से पहली बार डिस्कवर किया गया था पेनिसिलिन को, जबकि आजकल कॉमर्शियली इसका उत्पादन जो है वो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से किया जा रहा है। अब देखिए एस्परजिलस को वीट ऑफ लेबोरेटरी कहते हैं, मतलब लेबोरेटरी का वीट कुआ करकट कहते हैं, जब इस लेबोरेटरी में कोई भी सामान रख दीजिए तो इस पर ये दहिया की तरह लग जाते हैं, जबकि एस्परजिलस फ्लेवस से एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं एफ्लाटॉक्सिन, जबकि ओराइजी एफ्लाटॉक्सिन एस्परजिलस ओराइजी जो होता है ये डाइस्टेज एंजाइम का सोर्स होता है, इसे डाइस्टेज एंजाइम्स निकाली जाती है। अब देखिए ईस्ट में दो स्पेसीज ऐसी हैं जिसकी जिसका इकोनॉमिकल यूज़ है, पहला है सेक्रोमाइसिस सेरेबिसी, जिसको बियर उत्पादन में, जिसको बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है, बियर उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है, ये फर्मेंटेट करता है बियर्स बनाने में और एनारोबिकली बियर का प्रोडक्शन करता है। दूसरा है सेक्रोमाइसिस एलिप्सॉइड्स, जो कि वाइन प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है और वाइन इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, एलिप्सॉइडेंस। अब देखिए एक है एस्कोमाइसिटीज ग्रुप का ही है जिब्रेला फ्यूजिकोराया, जो कि बकाना डिजीज ऑफ राइस कॉज करता है, इसी फंजाई से जिब्रिलिन हार्मोन्स जो कि नेचुरल प्लांट हार्मोन से निकाला गया था, इसका एक इम्परफेक्ट फॉर्म भी है जिसको बोलते हैं फ्यूजेरियम मोलनी फॉर्म में, ये जो है ड्यूटरोमाइसिटीज का है। तो इस तरह से एस्कोमाइसिटीज पूरा हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में पढ़ेंगे।